फिल्म इंडस्ट्री में कई बार एक्टर्स के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है जिससे न सिर्फ उनकी इमेज या उनकी लाइफ ख़राब होती है बल्कि उनकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस एक्ट्रेस के साथ जिसे गर्ल नेक्स्ट डोर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने कभी भी फिल्मों में बोल्ड रोल्स या रिवीलिंग रोल्स किए ही नहीं, गर्ल नेक्स्ट डोर के रूप में ही उन्हें देखा जाता था और कंट्रोवर्सी से वो ताउम्र दूर रही है। 65 के होने पर उन पर ऐसा इल्ज़ाम लगा जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया। इस एक्ट्रेस पर सेक्स रैकेट चलाने का इल्ज़ाम लगा था। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि हमारी इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है और प्रकाश झा की एक्स वाइफ भी है, एक्ट्रेस दीप्ति नवल की मैं बात कर रही हूँ। दीप्ति नवल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई शानदार फिल्मों में काम किया है और उनके अभिनय को लोगों ने सराहा है। ऐसे में 2013 में दीप्ति नवल इस कंट्रोवर्सी में फंस गई थी जब दीप्ति नवल पर सेक्स रैकेट चलाने का इल्ज़ाम लगा और कहा गया कि अपने घर में धंधा चलाती है। क्या हुआ था उस दिन, क्यों दीप्ति नवल पर ये कंट्रोवर्सी हुई, चलिए जानते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बार हमने देखा है कि एक्टर्स के घर पर पार्टीज चलती रहती है। यहाँ पर पार्टीज का मतलब वो नहीं कि बस अय्याशी ही चल रही है, पार्टीज नेटवर्किंग के लिए भी होती है और बातचीत एक दूसरे को जानने के लिए भी होती है। और अक्सर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपने घरों पर पार्टी करना पसंद करते हैं, जो लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं वो। दीप्ति नवल सालों से अपने घर में पार्टी करती आई है। वो 7 बंगलोज के ओशनिक 1 नाम की बिल्डिंग में रहा करती थी और पिछले 30 सालों से इस बिल्डिंग की रेजिडेंट थी। कभी भी उनकी पार्टीज को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2013 में एक बार ऐसा हुआ था जब दीप्ति नवल अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर एक इंटरव्यू कर रही थी। इस इंटरव्यू के दौरान कुछ टीवी वाले आए थे, साथ ही दीप्ति नवल के अलावा उनके साथ एक्टर फारूक शेख भी थे। ये दोनों चश्मे बद्दूर में साथ काम कर चुके थे और तब चश्मे बद्दूर 2 फिल्म आ रही थी, इसीलिए ये दोनों उस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। अपनी चश्मे बद्दूर वाली फिल्म की मेमोरीज शेयर करने के लिए इंटरव्यू रखा गया था। इसी दौरान इंटरव्यू के बीच बिल्डिंग के कुछ ऑफिशियल्स आ जाते हैं और दीप्ति नवल को कहते हैं कि बंद करो अपनी ये नौटंकी, यहाँ से सब हटाओ। इन ऑफिशियल्स ने दीप्ति नवल को बहुत कुछ कहा और इसी दौरान एक ऑफिशियल ने ये तक कह दिया कि ये तो अपने घर में धंधा चलाती है। ऑफिशियल का कहना था कि घर में आप अपने कामकाज के काम नहीं कर सकते हैं, ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, क्या आपने परमिशन ली इस तरह के इंटरव्यू करने से पहले। इन लोगों ने आकर दीप्ति नवल के इंटरव्यू में न सिर्फ इंटरप्ट किया बल्कि दीप्ति नवल को बहुत बुरी बातें कही और इस इंटरव्यू को बंद करवा दिया। दीप्ति नवल के लिए वो टाइम डबल एम्बेरसमेंट का था, एक तो टीवी वाले सामने थे, दूसरी तरफ उनके को स्टार फारूक शेख भी थे जो दीप्ति नवल के कारण अनकंफर्टेबल हो गए, और तीसरी चीज़ उनके ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगा दिया गया था कि ये तो अपने बिल्डिंग में सेक्स रैकेट चलाती है, अपने घर से धंधा करती है। दीप्ति नवल इस इंसिडेंट से काफ़ी बुरी तरह टूट गई थी और सेम डे जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो बिल्डिंग छोड़कर मड में अपना एक फ्लैट है वहाँ पर रहने चली गई। अगले दिन सभी जगह न्यूज़पेपर में था कि दीप्ति नवल पर सेक्स रैकेट चलाने का इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद दीप्ति नवल के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, उन्हें सामने आकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे लिए ये बहुत एम्बेरसिंग था, मैंने इस बिल्डिंग में सबसे पहले फ्लैट खरीदा था, तब जब लोग खरीद नहीं पा रहे थे तब से मैं इस बिल्डिंग में रह रही हूँ और पिछले 30 सालों से मेरे घर में पार्टियाँ होती आई है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते जाते रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे हिलाकर रख दिया है, मेरी डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई है। दीप्ति नवल का कहना था कि मैं अपना काम कर रही थी और उससे पहले हमने कई इंटरव्यूज दिए हैं, किसी ने हमें नहीं रोका टोका, अचानक से उस दिन क्यों रोका टोका गया। इसके पीछे दीप्ति नवल खुद एक कारण बताती है कि मैं बिल्डिंग के लोगों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ, क्योंकि हमारा आपस में कुछ कॉमन है ही नहीं डिस्कस करने को, इसीलिए मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। इस बात की ही खुन्नस निकालने के लिए इन लोगों ने मुझे इस तरीके से बदनाम किया। दीप्ति नवल ने इस इंटरव्यू के बाद सभी मीडिया वालों को भी वॉर्न किया कि जो प्रोस्टिट्यूशन के नाम की फालतू की खबरें हैं, जो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें,
ये गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें और उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी। तो जहां एक तरफ दीप्ति नवल को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी थी, दूसरी तरफ उन्हें टीवी वाले और फारूक शेख से माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उनकी फिजिकल हेल्थ पर इस सिचुएशन ने इतना असर डाला कि वो काफ़ी समय तक डिप्रेस रही और जिस तरह की नेगेटिव इमेज उनकी बन गई थी उस दौरान, तो उन्हें लंबे समय तक इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिला था, लोग उनसे मिलने से बच रहे थे, इस तरह की हरकत हो गई थी उनके साथ। हालांकि बाद में दीप्ति नवल ने अपने आप को क्लीन प्रूफ कर ही दिया था, क्योंकि ना उनका ऐसा पास्ट रहा और ना ही ऐसी कुछ चीज़ें थी जो ये बताए कि दीप्ति नवल इस तरह की चीज़ों में लिप्त है। लेकिन हाँ, इस उम्र में आकर उनके साथ ये किस्सा हो चुका था।